चलिए तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्वर नविका बुक आपकी जो ये बुक है स्वर नविका और इसका लेसन पढ़ने वाले हैं लेसन फोर बिना मात्रा के चार अक्षर वाले शब्द तो चलिए आगे बढ़ते हैं ये आपकी बुक है और हमारा लेसन स्टार्ट होने जा रहा है लेसन फोर चलो आगे बढ़ें इसमें क्या पढ़ना है हमको बिना मात्रा चार अक्षर वाले शब्द ठीक है आज हम चार वाले पढ़ेंगे दो पढ़ा हम लोगों ने तीन पढ़ा अब चार पढ़ेंगे इसमें कोई मात्रा नहीं लगी होती है देखिए लेसन फोर है ओपन करके आप भी बुक ओपन करके देखिए अजगर अजगर देखिए फोर लेटर्स हैं है ना अक्षर कितने हैं वन टू थ्री फोर और एक साथ मिलाकर अजगर बर्तन थर्मस चलो देखो आगे बढ़े देखिए पढ़िए समझिए पहले ये चार दो और रह गए इसको पढ़ लेते हैं ख ट मटमल उपवन है उपवन अब इसको पढ़ते हैं देखिए पढ़िए और समझिए ठीक है तो कटहल दल दल मखमल हल चल मल मल आपको ऐसे ही पढ़ना है अलग अलग शब्दों को उच्चारण करते हुए जोड़ देना है अचकन अचकन बचपन पचपन कतरन उलझन यहाँ देखो करवट सरपट नटखट खटपट सलवट हलधर जलचर नवचर अरहर थलचर ठीक है आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्या पढ़ना है आपको जोर जोर से पढ़िए इसको आपको जोर जोर से पढ़ना है <coughs> नटवर उठ खटपट मत कर अब टमटम -टम पर चढ़ ये विराम चिन्ह में रुकना होता है उपवन तक चल अजगर मत पकड़ झटपट बरगद पर चढ़ कटहल उधर रख अब इकसठ तक पढ़ शर्वत चख कर इधर ला ठीक है चलो हमारा लेसन कंप्लीट हो गया नेक्स्ट डे हम दूसरा लेसन पढ़ने वाले हैं थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू